आज लगातार तीसरे दिन भी धनबाद विधायक राज सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई इलाकों में गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आए और लोगों को चावल, दाल, चूड़ा और गुड़ जैसे कच्चे अनाज के पैकेट बनाकर वितरण किए। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भीड़ न लगाने की सलाह दी। खुद भी इस बात का ध्यान रखते हुए कई इलाकों में सहायता पहुंचाने के लिए पैकेट बनाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को सौंपा और लोगों के घरों पर उपलब्ध कराने को कहा। इस मुश्किल की घड़ी में कई सामाजिक संस्थाएं लोगों की सहायता के लिए आगे आई है। विधायक राज सिन्हा लोगों को कच्चा अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। इस विषय पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि कच्चे अनाज को लोग अपनी जरूरत अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। लॉकडाउन की इस लंबी अवधि में भोजन के दुरुपयोग का भी ख्याल रखना जरूरी है। पका हुआ भोजन निश्चित समय के बाद खराब हो जाता है और उपयोग में लाने लायक नहीं रह जाता है। इसी के साथ धनबाद अंतर्गत पुटकी, दामोदरपुर, कर्माटाड़, गोधर, केंदुआ, खैरा, मुंडापट्टी, भुइयापट्टी, घिरनी जुड़िया, बैंक मोड़, तिवारी गली, मिट्टू रोड आदि इलाकों में लगभग 750 परिवारों को अपनी ओर से सहायता उपलब्ध कराई गई। अभी तो दामोदरपुर आए हैं, यहाँ से जाएंगे दिव्यांग स्कूल, तेलीपाड़ा गया, कुछ बिशनपुर गया, फिर गोधर गया है, मुनीडीह गया है, अभी यहाँ से हम जाएंगे फिर बूली के बाद फिर निकलेंगे उधर गोधर और मुनीडीह, फिर मटकुरिया तरफ भी आज जाना है। आज इतना जगह का प्लानिंग है और ये तो लगातार अब कहाँ कहाँ बोली तो लगातार चलने वाला प्रोसेस है। बहुत लोग जहाँ जरूरत तो अपने कार्यकर्ता लोग बोलते हैं या कुछ लोग आ भी जा रहे हैं घर से भी, तो इस प्रकार से 14 तारीख तक कोशिश करेंगे कि हर जगह पुटकी तरफ भी गया, वहाँ बावरी टोला है और सेंट्री कॉलोनी है, वहाँ गया है, तो ऐसे जगह तो बहुत आज बहुत जगह लग गया है। कई जगह से इस तरह कॉल आ रहा है आपको, या कार्यकर्ता लोग बतला रहे हैं कि अभी तक जो है सरकार की योजना भी जो है नहीं। आज हमने डीसी से बात भी किया इस मुद्दे पर, हमने कहा कि एक तो पहले आप सुनिश्चित कराइए, डीसी को भी कहा है और एडीएम सप्लाई को भी बोले हैं कि सारा राशन दुकान खुल जाए आज से, पहले तो यह सुनिश्चित कराइए। या सरकार कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कार्ड वाला भी जो कार्ड नहीं है सबको राशन मिलेगा, लेकिन यह रिजल्ट बिल्कुल नील है कहीं कहीं। और अभी डीसी को हम फोन किए तो बोले कि मार्च का राशन तो सब मिल गया है, कहाँ मार्च का राशन मिला है। और मैं आज निश्चित रूप से अभी शाम में फ्री होऊंगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर बात करने वाला हूँ कि राशन की जो स्थिति आप बोल रहे हैं कि सारे राशन कार्ड वाले को मिलेगा, 3 महीने का राशन मुफ्त में मिलेगा, और अभी जो है लोगों की शिकायत है कि राशन नहीं मिल रहा है, जाने पे बोलता है कि मार्च का राशन आप ले लिए, अब ये क्या तरीका है। कहीं कहीं पे दुकानदार पैसा भी मांग रहा है, कहीं बोल रहा है बिना जो कार्ड वाले हैं उनको राशन मिल नहीं रहा है, दुकान वाले दुकान खोल नहीं रहे हैं, कई जगह दुकान खोल रहे हैं फिर भी वहाँ पे ज्यादा मूल्य नहीं मिल रहा ना, हम ज्यादा मूल्य पे हाँ एकदम राशन सरकारी नहीं प्राइवेट जो इस तरह दुकान है जो डीलर के माध्यम से जो होना चाहिए लोगों तक वह बिल्कुल फेल है। और यहाँ के लोकल प्रशासन पता नहीं किस चीज में व्यस्त है। मैंने 2-3 बार डीसी को कहा कि इस चीज को विज्ञापन के रूप में लोगों के बीच में दीजिए सारे अखबार में कि सभी रीडर को राशन देना है, जिनका कार्ड है उनको भी देना है, जिनका कार्ड नहीं है उनको भी देना है, वो ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो उसके ऊपर भी देना है, ये सारा विषय को एडवर्टाइज कीजिए। कल भी हमने एसडीओ से भी बोला लेकिन ये अभी तक नहीं आया। डीसी ने कहा कि सारे वार्ड पार्षद मुखिया को पैसा दे दिया गया 10,000 रुपया, वो बोलते हैं कि हमको मिला ही नहीं, जानकारी नहीं है, नगर रोज अखबार में छप रहा है इतना छिड़काव का मशीन आया, लेकिन किस मोहल्ले में कहां कहां छिड़काव हो रहा है या तो हो नहीं रहा। तो ये कागजी कार्रवाई खाना पूर्ति जो चलना है यह उचित नहीं है। मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा हूं, जिसको जो बोलना है करना है वो करे, लेकिन मैं आज माननीय मुख्यमंत्री से शाम में इस विषय पर बात करूंगा। इसकी सेवा से जगजीवन नगर स्थित पहला कदम के दिव्यांग बच्चे भी अछूते नहीं रहे। पहला कदम में अनाज के दर्जनों पैकेट पहुंचाकर बच्चों को